जरूरी सूचना, अभिसार शर्मा के वीडियो पर बीजेपी के आईटी सेल का नजर है, जिससे वीडियो डिलीट होने का खतरा है। अगर आप चाहते हैं कि अभिसार शर्मा आपका मुद्दा इसी तरह सरकार के सामने रखते रहें, तो आपको इस वीडियो को अपने परिवार, मित्र और रिश्तेदार तक भेजना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, जिससे यूट्यूब आपके इस चैनल को डिलीट ना कर पाए। धन्यवाद। नमस्कार, बोल क्लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के ब्लैक काल की। और मुझे इस बात का डर है कि कहीं इस अंधेरे के साए में हम भारत को धीरे धीरे तानाशाही की तरफ तो नहीं ढकेल रहे, या कहीं ढकेला तो नहीं जा चुका है। आज बोल में अपनी इस बात को पुख्ता तरीके से रखने के लिए आपके सामने मैं ये चार तस्वीरें पेश करना चाहूंगा। तस्वीर नंबर एक, उन फिल्मकारों, उन क्रिएटिव व्यक्तियों ने भारत के अंदर जो मॉब लिंचिंग या जय श्री राम के नाम पर लोगों को परेशान मारने की जो लगातार कोशिश की जा रही थी, जो प्रधानमंत्री को खुला खत लिखा था, अब उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है या केस कर दिया गया है। मुद्दा नंबर दो, कफील खान, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कफील खान के खिलाफ 7 और मामले दर्ज कर दिए हैं यूपी के योगी सरकार ने। और इनमें से एक बहुत दिलचस्प मामला है कि कफील ने योगी सरकार की आलोचना की थी। मुद्दा नंबर तीन, आपकी स्क्रीन पर गौतम नवलखा, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार, और इनके मामले को सुनने से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच पांच सुप्रीम कोर्ट जजेस ने इनकार कर दिया था। वकीलों को तो हमने केस न लड़ते हुए सुना था, मगर जजेस। और मुद्दा नंबर चार आपके सामने, किस तरह से भारतीय वायुसेना के एक प्रमोशनल वीडियो, एक सामान्य से वीडियो को न्यूज चैनल्स और अखबारों ने बालाकोट और पुलवामा में भारतीय जीत के प्रमाण के तौर पर पेश कर दिया था। यह सब होंगे आपके सामने, मगर सबसे पहले बात करने जा रहा हूं उन 49 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कर दी गई है, वो लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा था। सबसे पहले मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा क्या कहा था। पहली बात जो उन्होंने कही थी कि किस तरह से भारत में इंसान की पहचान धर्म और जाति के आधार पर हिंसा हो रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों, दलितों और अन्य माइनॉरिटीज को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मुद्दा नंबर दो जो उन्होंने उठाया था इस खत में, वो ये कि जय श्री राम एक वॉर क्राई हो गया है, एक युद्ध घोषक नारा, और इस नारे के चलते लोगों को परेशान किया जाता है और कई मामलों में लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तीसरी बात उन्होंने यह कही थी प्रधानमंत्री से कि आपने संसद के अंदर मॉब लिंचिंग के ऊपर, यानी कि भीड़ के साथ जो हिंसा होती है, उस पर अपनी बात तो रखी है, मगर आपने कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई कार्रवाई नहीं की है। अब आप यह सोचेंगे कि ऐसे में इन लोगों के साथ क्या करेगी सरकार। सामान्य समझ तो यह बताती है कि सरकार को इनकी बात को सीरियसली लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, इन लोगों में से कौन कौन है, अडूर गोपाल कृष्णन, अनुराग कश्यप, कोंकणा सेन शर्मा, अपर्णा सेन, मणिरत्नम, रेवती, ये तमाम तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत जाने माने सम्मानित लोग हैं फिल्म वर्ल्ड में और क्रिएटिव फील्ड में। मगर क्या किया जाता है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। और मैं आपको बताता हूं, इंडियन पीनल कोड के अलग अलग सेक्शंस के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है और कौन कौन से मुद्दे हैं। मुद्दा नंबर एक, राजद्रोह। मुद्दा नंबर दो, देशद्रोह, धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना। मुद्दा नंबर तीन, शांति भंग करने की कोशिश करना। और इस मामले में जो वकील हैं जिन्होंने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने मामला दर्ज किया, उन्होंने क्या कहा कि इन लोगों ने देश की छवि को नुकसान पहुंचाया, प्रधानमंत्री मोदी के शानदार काम की तौहीन की और पृथकतावादी सोच को बढ़ावा दिया। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग क्या कहेंगे कि साहब, ये तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, इसमें आप मोदी सरकार को कैसे घेर सकते हैं या बीजेपी को कैसे घेर सकते हैं। तो मेरी एक बात को याद रखिएगा दोस्तों,
आप मूर्ख किसी और को बना सकते हैं, खुद को नहीं बना सकते। आप किसी और को बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, मगर अपने दिल को नहीं बहला सकते, अपने दिल को नहीं फुसला सकते। यह बात याद रखिएगा। अब दिलचस्प बात यह है कि न सिर्फ इस वकील ने अपनी याचिका में कहा कि मोदी सरकार के शानदार प्रदर्शन की तौहीन की, बल्कि कफील खान जिसके खिलाफ नए सिरे से जांच के आदेश दिए योगी सरकार ने, उसमें भी एक मामला जो सात नए आरोप हैं, यह कहा गया है कि कफील खान जो हैं वो योगी सरकार की आलोचना कर रहे थे। तो आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर यह कब से हो गया कि सरकार के काम की आलोचना नहीं की जा सकती। आप इस सरकार के समर्थक हैं, कल्पना कीजिए कि 2014 से पहले अगर आप मनमोहन सिंह सरकार या कांग्रेस सरकार के काम की आलोचना नहीं कर सकते थे तो यह अन्ना आंदोलन कैसे होता। बाबा रामदेव जब औरतों के वस्त्र पहन के भागे थे रामलीला मैदान से, उस तरह का आंदोलन कैसे होता रामलीला मैदान में, बताइए। और इस देश में न जाने ऐसे कितने आंदोलन जो हमने देखे हैं इमरजेंसी के दौरान, अगर हर बार यह कहा जाता कि आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते तो कैसे होता। और इस बात की पृष्ठभूमि में मैं क्यों ना मानूं कि यह देश का ब्लैक काल है। दोस्तों देखिए, ब्लैक शब्द कहने को एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, क्योंकि ब्लैक मेरे हिसाब से एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है और यह परिचायक है ताकत का। मगर ब्लैक का मतलब अंधेरा भी होता है। ब्लैक का मतलब ताकत, ब्लैक का मतलब अंधेरा, और इस ताकत के जरिए एक अंधेरा पैदा करने की कोशिश की जा रही है प्रजातंत्र में, जहां आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। यह प्रमाणित किसने किया है? यह उस FIR ने प्रमाणित किया है, और जिस तरह से कफील खान के खिलाफ सात नए आरोप जड़ दिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि योगी सरकार की आलोचना कर रहे थे, उसको लेकर। दोस्तों आपको याद होगा कि जब मिर्जापुर में पत्रकार पवन जायसवाल ने खबर की थी कि किस तरह से हमारे मासूम बच्चों को मिड डे मील में रोटी और नमक खिलाई जा रही थी, उसका भाव भी ऐसे ही था। उसमें भी ऐसा किया जा रहा था कि आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं, आप सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। वो FIR आज भी नहीं हटाई गई है, वो पत्रकार आज भी दर दर भटक रहा है। आखिर इस बात का जवाब है हमारे पास? आज ऐसे कामों के जरिए हम सीधे तौर पर आर्टिकल 19 की हत्या कर रहे हैं, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं आपको बताता हूं आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। नंबर 1, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट। नंबर 2, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। To assemble peacefully and without arms, to form associations or unions, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India, and to practice any profession or to carry out any occupation, trade or business. विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 19 संविधान का। आज कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, आखिर न्याय की ऐसी व्याख्या हमारी अदालतें ही क्यों कर रही हैं? न्याय इतना अपंग क्यों दिखाई देता है? मुद्दा नंबर 2, आखिर इस अपंगता के चलते इसकी इस तरह की व्याख्या क्यों हो रही है? मुद्दा नंबर 3, मैं इसे फांसीवाद क्यों ना मानूं, बताइए। मुद्दा नंबर 4, जिस तरह से देश को तानाशाही की गर्त में दफन किया जा रहा है, क्या वो खतरनाक नहीं है? आप समर्थक हो सकते हैं, मगर हमारे सामने ऐसी कई मिसालें आई हैं उभर कर कि कई जो भक्त थे इस सरकार के, आज जब उनके सामने जबरदस्त आर्थिक नुकसान, आर्थिक मंदी के चलते आ रहा है, PMC बैंक में आपके सामने तस्वीरें हैं, लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, इनमें से कुछ कह रहे हैं कि मैं मोदी का बहुत जबरदस्त फैन था मगर आज मेरी आंखें खुल गई हैं, उनके बारे में क्या कहिएगा, बताइए। दोस्तों इस बात को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह से उन
49 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उस पर उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। वी आर मूविंग इनटू ए अथॉरिटेरियन स्टेट, इट्स प्रीटी क्लियर। एनीबॉडी हु सेज एनीथिंग अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, एनीबॉडी हु रेजेस एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज पुट इन जेल, इज अटैक्ड, मीडिया इज क्रश्ड, एवरीबॉडी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन, दिस इज नॉट अ सीक्रेट। अब इस तस्वीर पर गौर कीजिए। गौतम नवलखा, लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता, और भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में इनके लिए खुशखबरी यह है कि अक्टूबर 15 तक इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ रोक लगा दी गई है। मगर इससे पहले जो हुआ वो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में अप्रत्याशित था। एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच जजों ने इस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई भी शामिल थे। अब तक हमने ये तो सुना था कि वकीलों ने किसी आतंकवादी का केस लड़ने से इनकार कर दिया था, मगर गौतम नवलखा एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, एक पत्रकार हैं, आप उनकी सोच से ना इत्तफाकी रख सकते हैं, उनसे असहमत हो सकते हैं, मगर इस तरह से। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि आज से कुछ दिनों पहले एक मामला आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, इसे असंवैधानिक करार देते हुए जो जजमेंट सामने आया था, और उसमें जस्टिस जोसेफ कुरियन ने क्या कहा था, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। बतौर एक संस्था, पारदर्शिता जिसकी पहचान है, उस सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे जजों से इतनी उम्मीद तो की जाती है कि वो किसी केस की सुनवाई से अलग होने की वजह बताएं ताकि लोगों के दिमाग में गलत फहमी ना पैदा हो। क्या कह रहे हैं यहां पर जस्टिस जोसेफ कुरियन कि अगर आप किसी मामले से खुद को रिक्यूज कर रहे हैं तो कम से कम उसकी वजह तो बताइए। ऐसा कैसे हो सकता है कि पांच लोग रिक्यूज कर जाएं मगर इस मामले में वजह ही ना बताई जाए, यह कल्पना से भी विचित्र है। और मैं फिर इस कार्यक्रम की शीर्षक की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, इंडिया का ब्लैक काल। एक अजीब और गरीब अंधेरा पैदा किया जा रहा है और इस अंधेरे में न्याय, इंसाफ, पारदर्शिता, जवाबदेही सबको दफन किया जा रहा है। इस देश का ब्लैक काल चल रहा है, इसका एक और प्रमाण मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। दोस्तों, अगस्त 2018 को सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जेल से लौटे थे क्योंकि उनके खिलाफ करप्शन के आरोप थे, और जैसे ही वो जेल से रिहा हुए तो उन पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट लागू हो गया, जिसके तहत वो 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते थे। यही मामला जो है जयललिता और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भी लागू हुआ था, जिसके तहत लालू प्रसाद यादव जो हैं वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाए थे। मगर जैसे ही प्रेम सिंह तमांग बाहर आते हैं तो उनके कार्यकाल को चुनाव आयोग 6 साल से 1 साल 1 महीने पे ला देती है, यानी कि अब उनका डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ 1 साल 1 महीने तक रहेगा। आपके स्क्रीन पर अब मैं दिखा रहा हूं चुनाव आयोग का वो आदेश। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इस आदेश में अशोक लवासा के भी दस्तखत हैं। कौन अशोक लवासा? अशोक लवासा वो शब्द है जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, कम से कम पांच बार चुनाव आयोग के फैसलों का विरोध किया था, जिसमें चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट के वायलेशन, उल्लंघन के लिए क्लीन चिट दे दी थी। अशोक लवासा भी इसमें सिग्नेटरी हैं। अब कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर पर गौर कीजिए कि अशोक लवासा की पत्नी, उनकी बहन और उनके बेटे तीनों के खिलाफ इनकम टैक्स नोटिस जारी कर दिया जाता है, यानी कि जो न माने उसे दबाया जाए, जो न माने उसको डराया जाए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं दोस्तों, यह देश का ब्लैक काल है। और सबसे हास्यास्पद बात दोस्तों, यह खबर आपके सामने, इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बालाकोट पुलवामा का जो हमला हुआ था उसमें एक प्रमोशनल वीडियो, एक सामान्य वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि यह वीडियो प्रमाण नहीं है उन हमलों का, मगर
न्यूज चैनल्स क्या करते हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस वक्त आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले आपके सामने रिपब्लिक टीवी, क्योंकि बीजेपी के एक सांसद हैं जिनके पैसे से यह चैनल शुरू हुआ है। रिपब्लिक, इंडियन एयरफोर्स रिलीजेस बालाकोट वीडियो, मेजर गौरव आर्या कॉल्स इट अ पॉजिटिव मूव। इसके बाद एबीपी न्यूज ने भी कहा यह एक्सक्लूसिव फुटेज है और पाकिस्तान अब तक कहता आया है कि सिर्फ पेड़ गिरे हैं मगर यह प्रमाण है आपके सामने। जबकि इंडियन एयरफोर्स लगातार क्या कह रहा था कि यह महज एक प्रमोशनल वीडियो है, सामान्य वीडियो है। जी न्यूज, बालाकोट में एयर स्ट्राइक का पहला वीडियो जारी, वायुसेना की फिल्म में हमले के सुबूत। बात यहां खत्म नहीं होती है। पंजाब केसरी, बालाकोट एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी, देखिए कैसे पाकिस्तान में घुसकर मारे थे आतंकवादी। गुजरात समाचार, टीवी 9, यही नहीं इंडिया टुडे, इसके अलावा टाइम्स नाउ, टाइम्स नाउ का देखिए कितना ड्रामेटिक यहां पर स्क्रीनशॉट है। इनका एक कार्यक्रम आता है इंडिया अप फ्रंट, जिसमें कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट वीडियो जारी किया, क्या अब भी आप नरेंद्र मोदी पर शक करेंगे, क्या अब भी आप वर्दी पर शक करेंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं कि मेरे इस वीडियो को, खासकर जिस तरह से मैंने अभी अपने चैनल्स की मूर्खता आपके सामने पेश की, आप में से कुछ भक्त कहेंगे कि साहब आप देशद्रोही हो, आप पाकिस्तान के हाथ में खेल रहे हो। दोस्तों, मैं जानता हूं कि मैं इस देश का एक बहुत ही प्राउड सिटीजन हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश की छवि दुनिया भर में बदनाम हो, जो ये न्यूज चैनल्स लगातार बदनाम कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि इंटरनेशनल फोरम में लोग कहें कि साहब ये कैसा देश है, इसके कैसे देश निवासी हैं जो सामान्य बातों में बरगला दिए जाते हैं। मैं उस सोच के खिलाफ हूं। अंत में मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों कि आप को मुबारक इंडिया का ये ब्लैक काल, अगर आप इस अंधेरे में रहना चाहते हैं तो मुबारक हो, क्योंकि मेरा यह मानना है, देखिए यह नाइंसाफी प्रजातंत्र के साथ नहीं है या इंसाफ के साथ नहीं है, यह नाइंसाफी सिर्फ आपके साथ नहीं है जो कि इस देश के नागरिक हैं, यह नाइंसाफी है हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ, यह नाइंसाफी है भारत की छवि के साथ जो दुनिया भर में पेश की जाएगी कि हम कैसे देश बन चुके हैं। मैं उस छवि के लिए जद्दोजहद कर रहा हूं, मैं उस भारत के लिए संघर्ष कर रहा हूं। आप सबसे मेरी अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें।